आप सभी का कनक क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट इट। हमारा जो टॉपिक है वो है मास कम्युनिकेशन। इस टॉपिक के बारे में क्लास थर्ड KSST में एक लेसन में हम लोगों ने कुछ जानकारी प्राप्त किया था, लेकिन अब इसके बारे में थोड़ा अधिक हम लोगों को जान लेना चाहिए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और ये इसका रोल भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ, जैसा कि आप इनको बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि कमेंट बॉक्स में तुरंत इनका नाम कमेंट कर दिया जाएगा कि ये कौन है और इनका नाम क्या है। मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकता बच्चों, जल्दी से बताएं ये कौन है और इनका नाम क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे, कमेंट भी किया कई लोगों ने, बहुत अच्छे। जी हाँ, ये हमारे भारत देश इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर रामनाथ कोविंद जी। बहुत अच्छा, ये जानकर अच्छा लगा कि आप सभी ने पहचानते हैं। अगली शख्सियत है हमारी, इनको भी आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे। कौन है ये, जल्दी से इनका नाम टाइप करें, और ये कौन है? बिल्कुल, कुछ लोगों ने जवाब देना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। जी हाँ, मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता बच्चों, ये हैं हमारे भारत देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी। आप सब इनको पहचानते हैं। आगे इस टीम को भी आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे, ये किस देश की टीम है आपको क्लियर हो रहा होगा। जी हाँ, ये हमारे भारत देश की इंडियन क्रिकेट टीम है। और इसके बाद एक और इमेज है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे देश के बॉलीवुड स्टार्स हैं, उनकी ये इमेज है। अक्सर हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनके पल पल यात्रा के कार्यक्रमों को की सारी जानकारी हम लोगों को मिलती रहती है। इसी तरह हमारे जब कोई क्रिकेट टीम कहीं फॉरेन खेलने जाती है, या हमारे देश के जो बॉलीवुड स्टार्स हैं वो किसी दूसरे देश में जाते हैं शूटिंग करते हैं, तो इन सारी चीज़ों की जानकारी भी हम लोगों को तुरंत मिलती रहती है। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कोई घटनाक्रम हो रहा हो, कोई घटना घटित हो रही हो, इन सारे चीज़ों की जानकारी हम सब तक पहुंचती रहती है। आखिर हमें ये जानकारियाँ किस तरह प्राप्त होती हैं? दोस्तों, हमें ये जानकारियाँ न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी, रेडियो और भी बहुत से तरीके हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को इन सभी लोगों के बारे में और देश दुनिया में घटने वाली सारी घटनाओं के माध्यम बारे में, इन सारे तरीकों से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, सूचना मिलती रहती है। और इन जो भी साधन हैं ये सब, इनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना करना भी थोड़ा सा कठिन होने लगा है आज के समय में। आपको बता दूं कि जो मीडिया वर्ड है, अक्सर हम सुनते हैं ना मीडिया, ये मीडिया वर्ड, इंग्लिश वर्ड एक होता है मीडियम, जिसका मतलब ही होता है माध्यम। तो जो ये मीडिया है ये हमारे विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान का काम करता है, इसलिए इसको हम मीडिया कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा, जो भी न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं हैं, साइबर कैफे, कंप्यूटर, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब मीडिया के ही अलग-अलग रूप हैं जो वर्तमान समय में, इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज में है। आपको बता दूं कि संचार के जो टाइप्स हैं, जो मीडिया के कम्युनिकेशन के, मास कम्युनिकेशन का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जब
जैसे अब न्यूज़पेपर में अगर कोई खबर छप गई तो उसको पूरे देश के लोग पढ़ते हैं, मैगजीन में छप गई तो पूरे देश के लोग पढ़ रहे हैं, टीवी रेडियो से जो न्यूज़ जाएगा उसको सारे देश के लोग देखते हैं। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि किसी एक माध्यम से जब कई लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, सूचना पहुंचती है, तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। जब किसी एक मीडियम से एक तरीके से कई लोगों तक जानकारी पहुंचाई जाती है, तो इस तरह के तरीकों को क्या कहा जाता है, जो है मास कम्युनिकेशन। अब जैसे हम इसी की बात करें, एक वीडियो मैं बना रहा हूं, आप इसको देख रहे हो, तो इस वीडियो को और भी सभी बच्चे और लोग देख रहे हैं। यानी एक वीडियो से न जाने कितने लोगों को जानकारी मिल रही है, तो इसी को कहते हैं मास कम्युनिकेशन। इंटरनेट के थ्रू न मिल रहा आपको ये इन्फॉर्मेशन, तो इसी को कहेंगे मास कम्युनिकेशन। मीडिया के अलग अलग तरीके होते हैं, कौन कौन से, चलिए वो भी देख लेते हैं। पहला है बच्चों देखो प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है जो प्रिंटिंग के थ्रू हम लोगों को सूचना मिलती है, जैसे न्यूज़पेपर और मैगजीन, ठीक है, और जो बुक्स हैं ये सब जो है प्रिंट मीडिया के पार्ट्स हैं। आपको पता है कि सबसे पहले पुराने टाइम में इसी का ज़्यादा रोल था, जब इंटरनेट और टेलीविजन रेडियो इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, तब न्यूज़पेपर और मैगजीन ही ज़्यादा यूज में रहता था। फिर आया ब्रॉडकास्ट मीडिया, टेलीविजन और रेडियो। टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से क्या हुआ कि हम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने लगी, इसे ब्रॉडकास्ट मीडिया कहते हैं। सपोर्ट मीडिया, आप देखते हो कि जो एड वगैरह आता है हमारे इस पर टीवी पर, तो कंपनियां क्या करती हैं कि एक प्रोग्राम में अपना एड दे दी, तो अगर उस प्रोग्राम को जितने लोग देख रहे होंगे सब तक वो ऐड का इंफॉर्मेशन पहुंच गया। इसी तरह इंटरनेट में वेबसाइट, ई कॉमर्स जो अमेजन और फ्लिपकार्ट हैं, और जो एड्स हैं और ईमेल है, ये सब इंटरनेट के पार्ट हैं। तो आप देख पा रहे हो ये सब मीडिया के ही सोशल मीडिया, अरे मास कम्युनिकेशन के तरीके हैं, ठीक है। और आप जान रहे हो कि अखबार हो गया, टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट है, इनकी जो सोशल साइट्स की पहुंच है वो बहुत बड़े संख्या में लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है, और लोगों एक साथ सबको जो है प्रभावित करता है, ठीक है। इसीलिए इन्हें जो है मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये सारे तरीके मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आते हैं। जो भी न्यूज़पेपर है, पत्रिकाएं हैं, जर्नल हैं, ये सब प्रिंट मीडिया के एग्जाम्पल हैं, मैंने बताया ही। इन्हें हम मीडिया का सबसे पुराना रूप भी कह सकते हैं। जो प्रिंट मीडिया है वो सबसे पहले से फेमस है, पिछले कुछ दशकों की, मतलब लगभग 10 साल पहले की बात करें तो अब क्या हो रहा है कि लोगों के ये प्रिंट मीडिया पढ़ने में थोड़ी थोड़ी कमी आ रही है, क्योंकि लोग अब इंटरनेट से ज़्यादा जुड़ने लगे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी आप प्रिंट मीडिया ज़्यादा भरोसेमंद होता है न्यूज़ के मामले में, ठीक है। तो लोग आज भी इसको बहुत पढ़ते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सब हमारे मास कम्युनिकेशन के ही पार्ट हैं। आपको पता है कि इन सब की सहायता से ही हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में होने वाली कोई भी इम्पोर्टेंट घटना है उसकी तुरंत हमको जानकारी मिल जाती है इन सब के माध्यम से। और तो और ये इनके थ्रू जो न्यूज हमको मिलती है वो विशेषज्ञों के माध्यम से, जो लोग उसके जानकार हैं उनके माध्यम से न्यूज का एनालिसिस किया जाता है, और उसके बाद सभी कस्टमर्स को, सभी ग्राहकों को टीवी के माध्यम से सभी लोगों तक सूचना पहुंचाई जाती है, ताकि लोग उस न्यूज़ को सुनकर अच्छी तरह से समझ सकें कि वास्तव में क्या मैटर था। उसके बाद बात आती है कि जो हमारा ये है, जो
जो हमारा मास कम्युनिकेशन है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। भाई सबसे पहला तो इम्पोर्टेंस यही है कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं, आइडिया आ रही हैं, फीलिंग आ रही हैं, वो सब पॉजिटिव आती हैं, हमको सूचना मिलती है। सही, क्रिएटिंग अवेयरनेस, हमें जागरूक बनाते हैं इनके द्वारा, जो न्यूज हमको मिलती है उससे हम लोग अवेयर हो जाते हैं, जान जाते हैं तो हमको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। टू फुलफिल ए गोल, हमें अपना लक्ष्य, अपना जो हमारा उद्देश्य है उसको पाने में हेल्प करती हैं। हाईलाइट इशूज, जो भी करंट टॉपिक्स हैं, जो भी हमारे देश में करंट घटनाएं घटित हो रही हैं उनके बारे में ये हमको बताते हैं। प्रोग्रेस डेवलपमेंट, हमारे देश में क्या क्या काम हो रहा है, कितना प्रोग्रेस हो रहा है, देश के किन किन पार्ट्स में डेवलपमेंट चल रहा है, ये सारी जानकारी हमको मिलती है। और तो और एजुकेटिंग द मासेज, यानी कि इन पर, इनके थ्रू बहुत से जो है एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें भी बताई जाती हैं, जिससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो सीखते हैं नई नई चीज़ें। आप भी देखते होंगे यूट्यूब पर तरह तरह के वीडियो आप देखते हो और उस वीडियो से बहुत कुछ सीखते हो। फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको बहुत से ऐसे मैसेज मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे नॉलेज हमको देते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक इसमें इम्पॉर्टेंट बात जो छूट गई है वो हमारे मनोरंजन की है, हमारे रिक्रिएशन की। कहने का मतलब कि जो आप दिन भर काम करते हो, पढ़ाई करते हो, थक जाते हो, तो आपको गाना सुनने का मन करता है, आपको टीवी सीरियल देखने का मन करता है, कार्टून देखने का मन करता है, तो इन सब कामों में भी तो ये हमारा मास कम्युनिकेशन ही हेल्प करता है। उसी से तो हम लोग अपना मनोरंजन करते हैं, अपना एंजॉयमेंट करते हैं। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कम्युनिकेशन के तरीके हैं इससे हमें देश विदेश में होने वाली कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, नेचर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, सोशल हो, हमारे कल्चर से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स हो, सॉन्ग हो, और जो भी हमारा जो है साइंस से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, इन सारे चीज़ों के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमको मिलती रहती है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में कहीं भी किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर हो, चाहे नेपाल में भूकंप आया रहा हो या उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में जब सुनामी का कहर रहा हो, इन हम सब ने टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर के माध्यम से इस विनाश घटना को, इस खतरनाक घटना को देखा और सुना और पढ़ा। तो सोचिए अगर मास कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन के ये सब तरीके ना होते तो हम लोगों तक ये सारी दुनिया में घटने वाली घटनाएं, जानकारियां कैसे मिलती। और तो और गवर्नमेंट द्वारा जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे भाई आपके शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, या भारत को स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, जन धन योजना हो गया, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सड़क सुरक्षा अभियान, इस तरह के जितने भी सरकारी जो चल रही हैं योजनाएं, उन सब के बारे में हम सबको जानकारी मिलती है। प्रचार प्रसार किसके माध्यम से होता है? मीडिया के माध्यम से ही होता है। इसलिए मीडिया का एक बहुत ही सकारात्मक यानी पॉजिटिव रोल है हमारे माइंड को सही दिशा में सोचने के लिए, प्रेरित करने के लिए। इस तरह हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो ये कम्युनिकेशन के तरीके हैं, ये एजुकेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया से हमें सिर्फ सूचनाएं ही नहीं मिलती हैं बल्कि समाज से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाने का मौका मिलता है। और तो और लोगों को अवेयर करना, लोगों के क्या राय है गवर्नमेंट के बारे में, कैसे आगे काम होना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमको जो है मीडिया के माध्यम से ही मिलती है। आप रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, आपको पता है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यानी एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां कोई राजा नहीं होता। इस कंट्री के जो मालिक हैं, जो राजा हैं, वो हम जनता हैं, हम पीपुल हैं,
हम लोग हैं भारत के। तो आप सोचिए कि ऐसे देश में जहाँ का जो राजा है वो वहाँ की पब्लिक ही है, प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और भी जो पुलिस ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वो सब भारत देश के लोगों के अधीन काम करते हैं, अंडर में काम करते हैं। तो इस देश का, भारत यानी इंडिया का, अगर कहें हम मालिक कौन है, तो भारत देश के लोग यानी हम और आप। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रेस मीडिया ये है हमारा, ये हमारे पूरे के पूरे शासन का, पूरे देश के शासन का चौथा स्तंभ माना जाता है। देश को चलाने के लिए फोर पिलर्स माने गए हैं बच्चों, ठीक है। फोर पिलर्स कौन कौन से हैं? ये हैं देख रहे हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और चौथा स्तंभ माना गया है मीडिया को, ठीक है। तो कितना महत्वपूर्ण है मीडिया का रोल, ये सारी चीजें जो आप देख पा रहे हो। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधायिका, यानी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, हमारा संसद। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में जो हमारे ऑफिसर्स हैं, और जुडिशरी में कोर्ट जजेज जो हैं, और फिर मीडिया। जो ये चार पिलर्स डेमोक्रेसी को चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। हैं तो मेन ये थ्री, लेकिन मीडिया को भी फोर्थ पिलर माना जाता है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो हमारे विचार हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। जो हमारे देश में एक सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है दोस्तों, बच्चों, कि हम अपने विचार को बिल्कुल अभिव्यक्त कर सकते हैं, किसी से भी कह सकते हैं, वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, हम अपने बात को रख सकते हैं। इस बात की आज़ादी हमको दी गई है। इस स्वतंत्रता का उपयोग जो है हमारे प्रेस के कारण सही ढंग से हो सकता है। जो हमको ये स्वतंत्रता मिली हुई है, ये आज़ादी मिली हुई है कि हम अपनी बात सबके सामने कह सकते हैं, रख सकते हैं, तो इसको अगर कोई सही ढंग से प्रस्तुत कर सकता है तो वो है मीडिया। आप समझ सकते हैं कि चुनाव के दौरान क्या होता है कि इसकी भूमिका मीडिया की और बढ़ जाती है। कैसे भाई? चुनाव में जो भी प्रत्याशी उम्मीदवार खड़े होते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो अगर मीडिया चाहे तो उन प्रत्याशियों के बारे में हमको सही सही जानकारी दे सकती है, ताकि पब्लिक सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करे, सही लोग नेता बने, अच्छे विधायक बने, अच्छे सांसद बने, ताकि हमारे देश का विकास हो सके। तो मीडिया चाहे तो हमको हर एक व्यक्ति के बारे में सही जानकारी दे सकती है, जिससे हम अच्छे प्रत्याशी का चयन कर सके, उसको सिलेक्ट कर सके। चुनाव होने से लेकर सरकार के बनने तक इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है। सोशल साइट्स के माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, और इसका दायरा भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, जिसके माध्यम से सरकार के किसी भी निर्णय पर तुरंत प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाती है। आप देख पा रहे होंगे इस समय किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन अब सही है या गलत, इस पर तो बहुत विचार चल रहा है। लेकिन मीडिया, आप देख पा रहे होंगे कि किसी न्यूज़पेपर में किसान आंदोलन के पक्ष में बात बोली जाती है, तो किसी न्यूज़पेपर में उनके अगेंस्ट में सरकार की तरफ से बात बोली जाती है। तो इस तरह से जब सभी लोग अपनी अपनी बात बताते हैं और मीडिया उनकी बातों को जनता तक पहुंचाती है, तो इससे क्या होता है कि सरकार को जनता का रुख पता चलता है, पब्लिक के मन में क्या चल रहा है इसकी जानकारी मिलती है गवर्नमेंट को, और पब्लिक को भी जानकारी मिलती है कि गवर्नमेंट के मन में क्या चल रहा है, सरकार के मन में क्या चल रहा है। और जो सरकार है हमारे देश की, उसको अपनी नीतियों की यानी जो भी कानून उसने बनाया है उसका वो क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं, रिव्यू करते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत कानून बन जाए। इस तरह से बहुत बड़ी संख्या को का जो निर्णय निर्माण है, मतलब जो डिसीजन मेकिंग है,
उसमें भागीदारी मिलती है गवर्नमेंट को, पब्लिक की। इसी वजह से लोकतंत्र मजबूत होता है बच्चों। आप समझ पा रहे होंगे कि मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए, सबसे पहला काम, मीडिया द बेस ऑफ ए नेशन, किसी भी देश की नेशन है, मतलब बेस है उसका, किसी भी राष्ट्र का। अगर किसी देश की मीडिया बिकाऊ हो जाए या पैसों के लिए काम करने लगे, तो उस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए मीडिया बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, देश के विकास में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो अगर कोई मीडिया पर्सन देख रहे हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग का सोचना गलत नहीं है और हमारे देश की मीडिया पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य का पालन कर रही है। अगला, शुड इनकरेज गुड मीडिया। इसीलिए मीडिया को चाहिए कि वो अपने काम को ईमानदारी से करे, लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए, पैसों के लिए गलत जानकारी लोगों तक ना पहुंचाए, भ्रम ना फैलाए। रूल शुड बी मेड एंड मेंटेन्ड। मीडिया को चाहिए कि जो भी नियम और कानून बनाए जा रहे हैं देश के लिए, देश के लोगों के लिए, उसका रिव्यू करे और अगर उसमें कोई कमी है तो उस बात को सरकार तक पहुंचाए और उस नियम कानून में परिवर्तन कराने में मदद करे। न्यूज़पेपर विदाउट गवर्नमेंट एग्जिस्ट, बिना गवर्नमेंट के भी न्यूज़पेपर एग्जिस्ट करता है, बट गवर्नमेंट विदाउट न्यूज़पेपर डज नॉट। लेकिन गवर्नमेंट न्यूज़पेपर के बिना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट बन भी गई, सरकार बन भी गई, और सरकार की बातों को न्यूज़पेपर, मीडिया, इंटरनेट, ये सब पब्लिक तक पहुंचाए ही ना, तो पब्लिक को क्या पता चलेगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो इस तरह हम समझ चुके हैं कि मास कम्युनिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और मीडिया यानी कम्युनिकेशन के ये जो भी तरीके हैं, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब का देश के विकास में बहुत बड़ा रोल है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों को कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और आज साथ ही साथ आप ये भी जान गए होंगे कि हमारे देश की जो मीडिया है या किसी भी देश की जो मीडिया है, उसका क्या क्या रोल है, क्या ड्यूटी है उसकी देश के प्रति। तो बच्चों, अगर वीडियो पसंद आया, आपको समझ में आया, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी आपने चैनल को तो जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरे नए नए वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू।